हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस टेकॉम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने इग्नू का सॉल्व असाइनमेंट शो करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आई एम शोइंग यू इग्नू सॉल्व असाइनमेंट LSE 10 एनिमल डाइवर्सिटी 2। दिस इज वैलिड फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2020। This is the question paper of the assignment LSE 10. All the 10 questions are shown here of the question paper. And now the solved assignment begins. Question number 1 is, mention at least 5 important affinities between echinoderms and chordates. Question number 1 ka A part hai ye. Ye hume echinoderms and chordata mein 5 similarities batani hai, jo un dono mein ek saman hoti hai. 5 सिमिलैरिटीज आपको आंसर में शो की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। ब्रीफली एक्सप्लेन करना है इन जो टर्म्स दी गई हैं क्वेश्चंस में, होलोस्टाइली डिफाइन किया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। सेकंड है होमो सेरेकल टेल, थर्ड है लिविंग फॉसिल्स, क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है हेमिपेनिस, एंड द क्वेश्चन का फिफ्थ एंड द लास्ट पार्ट है नियोटनी। क्वेश्चन नंबर 2, विद सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन जॉ सस्पेंशन इन फिशेज। फिश में जॉ सस्पेंशन को शो करना है विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। ये डायग्राम आपको प्रोवाइड किया गया है। और क्वेश्चन को क्वेश्चन का आंसर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, कितने टाइप के जॉज ऑफ सस्पेंशंस होते हैं इन फिशेज में। क्वेश्चन 3 का ए पार्ट है, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशंस फाउंड इन बर्ड्स दैट अलाउ देम टू फ्लाई। आंसर में आपको एक्सप्लेन करना है कि बर्ड में कौन कौन सी अडेप्टेशंस हुई हैं, उसकी बॉडी में कौन कौन सी अडेप्टेशंस हुई हैं जो उसको फ्लाई करने में हेल्पफुल साबित होती हैं, जिन अडेप्टेशंस की वजह से बर्ड्स फ्लाई कर पाते हैं, वो अडेप्टेशंस को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आंसर में ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। क्वेश्चन 3 का बी पार्ट, व्हाट इज विंटर स्लीप, मेंशन द चेंजेस इन फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर व्हिच हेल्प हिट्रोथर्मिक मैमल्स टू ओवरकम सर्व विंटर। ये आपको आंसर में एक्सप्लेन करना है कि विंटर स्लीप क्या है और फिजिकल और बिहेवियरल अडेप्टेशंस क्या हुए हैं एनिमल्स में, जिनकी वजह से एनिमल्स अपनी बॉडी को प्रिजर्व कर पाते हैं, जिन अडेप्टेशंस की वजह से विंटर में भी अपनी बॉडी को प्रिजर्व कर पाते हैं, अपनी बॉडी को सेफ रख पाते हैं।
Question 4. Describe the most important adaptation in reptiles that allowed them to complete transition from water to land environment. Reptiles में वो adaptations के बारे में आपको details में answer में बताना है. Answer में आपको detail में बताया गया है important adaptation in reptiles. जैसे कि उनकी skin में क्या adaptation हुआ, kidneys में क्या adaptation आया, reproduction, lungs. Question number 5 is describe with the help of example 5 different means of defense in animals. Answer में आपको बताना है कि किस किस तरह से animals अपने आप को defense करते हैं, कौन कौन से तरीकों से अपने आप को defend करते हैं. Answer में आपको ये सभी means of defense animals के बताए गए हैं और उनका एक्सप्लेन भी किया गया है कि किन किन तरीकों से एनिमल्स अपने आप को डिफेंड करते हैं, अपने को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में आपको बताया गया है आंसर में. Six is describe with the help of label diagram the pectoral girdle of frog and rabbit. Frog और rabbit का pectoral girdle के बारे में explain करना है. ये आपको theoretical view दिखाया गया है इसका और आगे इसी answer में आपको frog का pectoral girdle का diagram भी बनाकर show किया गया है. ये diagram आपको बनाना है answer में. क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको डायग्राम बनाकर शो करना है और उसे एक्सप्लेन करना है. फ्रॉग का पेक्टोरियल ग्रिडल और रैबिट का पेक्टोरियल ग्रिडल दोनों को डायग्राम बनाकर शो करना है और पूरा एक्सप्लेन करके बताना है. यह है फ्रॉग का पेक्टोरियल ग्रिडल. नेमिंग भी की गई है, नेमिंग भी आपको करनी है इसी तरीके से. ये रैबिट के पेक्टोरियल ग्रिडल के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, इसमें क्या क्या होता है सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है और आगे इसका डायग्राम भी आपको आंसर में प्रोवाइड किया गया है. ये है रैबिट का पेक्टोरियल ग्रिडल का डायग्राम. इसी तरीके से आपको भी लेबल डायग्राम शो करना है अपने आंसर में. क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई इज द कॉर्डेट्स ब्रेन कंसिडर्ड टू बी एन एनलार्जमेंट ऑफ द एंटीरियर एंड ऑफ द न्यूरल ट्यूब. कि कॉर्डेट्स का ब्रेन एनलार्जमेंट कैसे है न्यूरल ट्यूब का और जनरलाइज ब्रेन को एक्सप्लेन करना है आपको डायग्राम के साथ आंसर में. ये आंसर में पूरा आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया गया है प्लस ब्रेन का डायग्राम भी आपको शो किया गया है. इसी तरीके से आपको अपने असाइनमेंट में डायग्राम के साथ आंसर एक्सप्लेन करना होगा.
क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है और ये एनिमल्स में किस तरह से होता है, इसका पूरा एक्सप्लेन करके आपको आंसर में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट है, हाउ डू वॉल लिजर्ड्स अडेयर टू द स्मूथ वॉल्स। जो लिजर्ड्स होती हैं वो स्मूथ वॉल्स पे कैसे अपने आप को स्टेबल किए रहती हैं, ये आपको एक्सप्लेन करने बताना है आंसर में कि क्या वजह है कि लिजर्ड्स स्मूथ वॉल पे से अपने आप को स्टेबल किए रहती हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, चमेलियंस ग्रिप द ब्रांचेस ऑन विच दे मूव। किस तरह से चमेलियंस ब्रांचेस पे मूव करते हैं और कैसे अपनी पकड़ बनाकर रखते हैं ट्री के ब्रांचेस पे, ये आंसर में आपको एक्सप्लेन करके बताना है। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, पेंगुइन्स स्विम इन वाटर। पेंगुइन्स कैसे वाटर में स्विम करती हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है आंसर में। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है, द वेरियस फॉसिल एंसेस्टर्स ऑफ मैन गिवन बिलो। इनको अरेंज करना है आपको अपीयरेंस ऑर्डर के बेसिस पे, जैसे जैसे इनका अपीयरेंस हुआ उस ऑर्डर में ये सभी प्रजातियों को, ये ह्यूमन की प्रजातियां हैं जो पुराने समय की एंसेस्टर्स जो हमारे पूर्वज थे उनको, उनके अपीयरेंस बेसिस पे कैसे कैसे वो अर्थ पर आए इस बेसिस पे उनको ऑर्डर में लगाना है, ऑर्डर में आंसर के में अपने बताना है कि कौन से ऑर्डर में, मतलब फर्स्ट जो प्रजाति पाई गई उसमें, उसके बाद सेकंड जो पाई गई उसके बाद, इस तरीके से ऑर्डर वाइज आपको जो दी गई हैं वो सबको ऑर्डर वाइज क्रिएट करके बताना है आंसर में। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्लास एम्फीबिया। कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं एम्फीबिया क्लास के, एम्फीबियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आंसर में एक्सप्लेन करने हैं। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं आंसर में, आपको शो किए गए हैं कि एम्फीबियंस के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उनमें क्या खासियत होती है, सब कुछ आपको बताया गया है आंसर में। क्वेश्चन नंबर 10 डिफरेंशिएशन बताना है आपको। फर्स्ट पार्ट में बेटिसियन एंड मुलेरियन मिमिक्री, ये दोनों में डिफरेंस आपको आंसर में इस तरह से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है, सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। दोनों में डिफरेंस बताना है आपको, सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में क्या डिफरेंस है, ये आंसर में आपको बताया गया है, आंसर में शो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट है, स्केल्स ऑफ फिश एंड रेप्टेलियन स्केल्स में क्या क्या डिफरेंस है। जो फिश की स्केल्स होती हैं और रेप्टेलियन स्केल्स होती हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको आंसर में एक्सप्लेन करना है, आंसर में डिफरेंस बताना है दोनों का। क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट है,
हॉर्न्स एंड एंटलर्स में क्या क्या डिफरेंस है, हॉर्न्स और एंटलर्स दोनों एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट हैं, ये आपको आंसर में एक्सप्लेन करना है, ये आपको आंसर में प्रोवाइड किया गया है, दोनों में क्या डिफरेंस है। यह LSE 10 का असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। आपको यह असाइनमेंट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और उन सभी लोगों से इस असाइनमेंट को शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसे शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आप सबसे पहले देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।